वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल यात्री सुविधा में और मैं हूं प्रदीप कुमार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि रेलवे ट्रैक के किनारे लगे इस कॉशन इंडिकेटर बोर्ड का क्या मतलब है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अक्सर यात्रा करते समय हमें रेलवे ट्रैक के किनारे ये कॉशन इंडिकेटर बोर्ड दिखाई देता है। दरअसल दोस्तों, इसका मतलब है कि आगे रेलवे ट्रैक पर कोई इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस का काम चल रहा है और कभी इसकी डायरेक्शन लेफ्ट में होती है तो कभी राइट में। इसकी डायरेक्शन हमें बताती है कि किस ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है या मेंटेनेंस काम चल रहा है। और फ्रेंड्स, इसे मेंटेनेंस के प्लेस से लगभग 800 मीटर पहले लगाया जाता है और इसको देखने के बाद ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड को कम करना होता है ताकि किसी भी दुर्घटना को टाला जा सके। तो इस वीडियो हमने जाना कि कॉशन इंडिकेटर बोर्ड इंडिकेट करता है कि आगे रेलवे ट्रैक पर कोई इंजीनियरिंग या मेंटेनेंस का काम चल रहा है और इसकी डायरेक्शन बताती है कि किस ट्रैक पर मेंटेनेंस काम चल रहा है और इसे बोर्ड को लगभग 800 मीटर पहले वर्क प्लेस से लगाया जाता है और इसको देखने के बाद ड्राइवर को ट्रेन की स्पीड को कम करना पड़ता है। आई होप कि दोस्तों आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन के बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो सबको यूं ही मिलते रहें। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।